नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजिशनल आइसोमर. तो नाउ हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पोजिशनल आइसोमर ऑफ वन ब्रोमो वन क्लोरो साइक्लोहेक्सेन. ओके, तो सबसे पहले जब हमें इसे पोजिशनल आइसोमर्स निकालने, तो हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए. तो हम पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पे आपके जो ब्रोमो और क्लोरो जो दोनों हेलोजन है वन पोजीशन पे लगे हैं, और साइक्लोहेक्सेन तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उससे हमने ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करे. अब हम इसके पोजिशनल आइसोमर्स बनाने की कोशिश करेंगे. तो एक तो ये हो गया. अब दूसरा देखिए, ऐसे होगा कि बीआर उसी पोजीशन पे रहे और क्लोरीन चेंज हो जाए, यानी कि वन ब्रोमो टू क्लोरो, एक ये पॉसिबिलिटीज हो जाएगी आपकी. और जो दूसरी पॉसिबिलिटीज इसमें है वो ये है कि ब्रोमो अभी भी उसी पोजीशन पे रहे और जो क्लोरो है वो आपकी थर्ड पोजीशन पे आ जाए. और जो फोर्थ है वो क्या होगी, वो ये कि ब्रोमो वहीं पे रहे और क्लोरो आपका फोर्थ पोजीशन पे आ जाए. तो इसके अलावा कोई इसमें पॉसिबिलिटी है नहीं. अगर आपको आप सोच रहे हैं कि सीएल यहाँ पे लेके आए, तो अगर क्लोरो आप यहाँ लाएंगे तो ये थर्ड और फोर्थ जो स्ट्रक्चर होंगे वो आपके आइडेंटिकल हो जाएंगे. और वैसे ही अगर यहाँ पे आप क्लोरो लाएंगे तो सेकंड एंड फोर्थ जो है वो आपके आइडेंटिकल हो जाएंगे. तो इस अकॉर्डिंग जो आइसोमर्स इसमें पॉसिबल है वो है चार.